इंडियन आर्मी भर्ती 2024 आखिर आगाज हो ही गया है। कुछ यारों का नोटिफिकेशन आ गया है और जिनका नहीं आया है वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका कल आ जाएगा। तो नई भर्ती आ गई है पूरी, आपको एज कौन कौन से ट्रेड में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी कुछ चेंजमेंट हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको किस चीज में छूट मिलेगी उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो बात करते हैं इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के न्यू नोटिफिकेशन की, इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये भर्ती है इसके ऑनलाइन 13 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक चलेंगे, और उसके बाद आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपके 22 अप्रैल 2024 से आपके शुरू हो जाएंगे। तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, जब भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें एक एक डिटेल आपकी अपने आंखों के सामने बैठ के भरवाएं और खुद चेक करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले भी फुल डिटेल अपने एक बार दोबारा चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट या इसमें चेंज नहीं होता। और अगर वहां पर अगर आप कोई त्रुटि करते हो तो उसका खामियाजा आपको आगे जो आपकी भर्ती है उसमें आपको भुगतना पड़ता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जीडी की। अगर सोल्जर जीडी ट्रेड की बात करें तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 17.5 to 21 है। और हम लोग बहुत आशा कर रहे थे कि आप लोग बोल रहे थे कि सर एज में छूट मिलेगी। तो जीडी को लेके तो मैं बहुत पहले क्लियर था जीडी और ट्रेड्समैन को कि वहां पर कोई उम्र में छूट नहीं मिलेगी। मुझे कुछ टेक्निकल से आशा थी कि शायद टेक्निकल में मिल जाए, लेकिन यहां पर इन्होंने कोई भी छूट नहीं दे रखी है। जीडी की बात करें तो उन्होंने जो एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 17.5 to 21 है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन आपका 10th पास है, ओवरऑल आपके 45 मार्क होने चाहिए। किसी के 6 सब्जेक्ट हैं, आप लोग कई बोलते हुए सर हमारे इसमें 6 सब्जेक्ट एडिशनल होते हैं, एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है, उसमें अगर हम फेल हो गए या ग्रेस लगाओ तो क्या हम जीडी में भर पाएंगे? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। उससे पहले आपको एक एफिडेविट लिखाना पड़ेगा कि हाँ हम पास हैं और हमारे ओवरऑल 45% इसमें 5 या 6 विषय का कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेड है आपका सोल्जर टेक्निकल का। तो सोल्जर टेक्निकल में आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो भी सेम वही है 17.5 to 21। और बात करें आपके एजुकेशन की तो इसमें या तो आप 12th पास विद साइंस, यानी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के साथ में आपके 50% नंबर होने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए। या अगर आप 10th पास हैं और 2 साल की अगर आपने ITI कर रखी है या 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि ITI के जो भी इसमें आपने बता रखा है, मैंने भी पहले आपको वीडियो, फिर भी एक बार बताता हूँ, इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट में आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो लंबा जाएगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देखिए ये आपके इसमें आपका होना चाहिए ITI, ठीक है। अब लेते हैं आपका अगला ट्रेड, वो है आपका सोल्जर क्लर्क SKT। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इसमें एज कम लेकिन एजुकेशन सबसे ज्यादा। इसमें आपको पता ही है कि आपको इसमें ओवरऑल 60% नंबर लाने होते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप भर सकते हैं, आप साइंस के हैं तो भी आप भर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तो भी आप भर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है, ओवरऑल 60%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश होना चाहिए, ओवरऑल आपके अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश होना चाहिए 60%, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंट्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए। और अगर हाइट की बात करें तो उसमें पूरे ऑल इंडिया के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रहता है वो 162 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों को, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इसमें भी छूट मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपके सोल्जर ट्रेडमेंट 10th पास की। तो इसमें अगर हम एज की बात करें तो एज सबका वही है 17.5 to 21।
एजुकेशन की बात करें तो आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। कोई भी विषय में ये नहीं बोला गया कि ये विषय होना आपका अनिवार्य है, आपके 33 नंबर आने चाहिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रेड है वो है आपका सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, और इसमें आप सिंपल 8th पास होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज का या कोई भी विषय का अलग से क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। तो आप बोले, और अब बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप लोग बहुत, मतलब आप लोगों की आशाएं थी कि शायद अप्रैल से काउंट करते, लेकिन इन लोगों ने अक्टूबर से काउंट किया हुआ है। और जो इसमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा हुआ है वो रखा हुआ आपका 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में जो जन्म वाले हैं वही इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एज तो 21 है, लेकिन इसमें 6 महीना कम, यानी कि आपको 20 मतलब आपको 20.5 साल है, 21 साल पूरे नहीं दे रही है, तो जो भर्ती का प्रक्रिया पूरा 6 महीने का लगेगा, तो इस वजह से ये लोग 6 महीना कम कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज़ दुखद है, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन निकल गया है तो अब यही है जो इसमें दे रखा है। चलिए उसके बाद में जैसे मैंने ये लिया है आपका ARO मंडी का, तो वहाँ जो अग्निवीर की जो हाइट है सोल्जर GD की, वहाँ 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। अग्निवीर टेक्निकल की अगर बात करें तो उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी है। अग्निवीर स्टोर कीपर की बात करें जो SKT है, तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर है, और अग्निवीर ट्रीटमेंट 10th पास और 8th पास के लिए 163 सेंटीमीटर है। लेकिन ये आपके AROs के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, तो बचे हुओं का कल आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप वहां पर जाके अपने ARO की जो हाइट है वो चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट में लिख देना कि सर हमारे AROs की है क्या हाइट लगेगी। 10-15 से ज्यादा कमेंट आ जाएंगे अगर हाइट के अकॉर्डिंग, तो मैं पूरी ARO की एक लिस्ट अलग से बना दूंगा कि इस ARO की ये हाइट लगेगी, और आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना लिया जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि पिछली बार वेट में काफी लोग चटनी हो गए थे। तो ये आपका हाइट और वेट का चार्ट है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। इसके अकॉर्डिंग आपका अगर इतनी हाइट है तो आपका इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं कि नंबरों में छूट किस किस को मिलती है। तो इसमें नंबर में छूट जो है वो एक्सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, इन लोगों को छूट मिलती है, और आपका NCC वालों को भी। अगर हम बात करें एक्सर्विसमैन की, तो जो आपका एक्सर्विसमैन में अगर आप सोल्जर GD में जाएं तो आपको पूरा 20 नंबर का आपको बोनस पॉइंट मिलता है। क्लर्क में जाएं तो भी 20 नंबर का मिलेगा। अगर आप टेक्निकल में जाएं तो भी आपको 20 नंबर का मिलेगा। ट्रीटमेंट में जाएं तो भी आपको 20 नंबर का बोनस पॉइंट मिलेगा अगर आप एक्सर्विसमैन के बच्चे हैं या ऑन सर्विस अगर आपके फादर हैं तो तब। और स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो आपको इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्समैन खेला हुआ है उसको 20 नंबर ही GD में, 20 नंबर ही क्लर्क में, 20 नंबर ही टेक्निकल में, और 20 नंबर ही उसको ट्रीटमेंट में उनको बोनस पॉइंट उनको मिलता है। NCC की बात करें तो NCC के लिए GD में आपको मिलेंगे, अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर, बी है तो आपको 10 नंबर, अगर आपके पास में NCC C सर्टिफिकेट है अगर आप GD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20, और अगर आपने रिपब्लिक डे परेड करी हुई है तो आपको 25 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। बाकी और ट्रेडों के लिए GD और ट्रेडमैन, और अगर आप टेक्निकल या क्लर्क की बात करें तो सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर मिलता है बोनस पॉइंट, अगर आप RD परेड किए वाले हैं तो आपको 20 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है, और दूसरों को मिलता है आपका 15 नंबर का। तो ये बेनिफिट है। तो ये थी पूरी जानकारी जो अभी नया भर्ती नोटिफिकेशन आया 2024 की। मेडिकल और डॉक्यूमेंट को लेके अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि पूरा एक ही में मिक्स ना हो जाए, आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स में चीजें समझ में आ जाए। तो जिनका ARO का नोटिफिकेशन आ गया है उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। याद रखिए कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, बहुत कम, मतलब बहुत ही, मतलब आज की डेट में देखिए भर्तियां कितनी कम हो गई है और ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। अवसर आया है तो उसको बिल्कुल भी जाया ना करें, बहुत अच्छी तरह अपनी तैयारी करें, रिटर्न पे पूरा फोकस कर दें, क्योंकि रिटर्न अभी आपके पास में सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है, तो रिटर्न एग्जाम का पूरा फोकस करें ताकि आप पहले स्टेज को पार कर पाए, और फिर सेकंड स्टेज में आपको फिजिकल के लिए काफी टाइम मिलता है। मैं कह रहा हूं कि आप 70% पूरा ध्यान, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 100% की, 70% पूरी मेहनत लगाइए आप रिटर्न एग्जाम में, 30% कीजिए आप फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको टाइम मिलेगा लेकिन पहली छटनी आपकी रिटर्न एग्जाम में से हो जाएगी। तो एक बार मेरी पुनः शुभकामनाएं, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिख देना, कमेंट्स के आधार पर मैं कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए XArmy सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।